हेलो दोस्तों, मैं सुमित विश्वकर्मा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज का वीडियो का नाम है 8.5 मीटर डीपी स्ट्रक्चर्स। इस डीपी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या मटेरियल लगते हैं और कौन से मटेरियल कहां लगाए जाते हैं, वो चीज़ आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को बताने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कॉमेंट करें। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं 8.5 मीटर डीपी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें मटेरियल क्या और कैसे इसको इरेक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 8.5 मीटर डीपी स्ट्रक्चर पोल को इरेक्शन करने से पहले इसमें दो पोल की ज़रूरत होती है। 8.5 मीटर का दो पोल लगाए जाते हैं और दो पोल लगाने के लिए हमें दो ग्राउटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो दो ग्राउटिंग करना पड़ेगा, वो ग्राउटिंग आपको पहले हम बता चुके थे, सिंगल पोल जो हम लोग बताए थे 8.5 मीटर का कि कितने ग्राउटिंग करना पड़ता है, तो सेम ग्राउटिंग रहेगा। तो इसका जो ग्राउटिंग किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड लेवल से हम लोग चलते हैं, कि ग्राउंड लेवल से ग्राउंड के अंदर कितने ग्राउटिंग करते हैं, कितने होल किया जाता है, तो वो बताते हैं आपको। दोस्तों, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहले से हमने डीपी स्ट्रक्चर का जो है पिक्चर बना चुका हूं, और इसलिए बना लिया कि हमें वीडियो जो है बताते समय, बनाने के बाद क्या होता है, ज़्यादा कुछ लंबा चला जाता है वीडियो, तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम पहले से ही डीपी स्ट्रक्चर का जो है डायग्राम बना चुका हूँ। चलिए बताते हैं। देखिए, ये हमारा जो है ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से हमें ग्राउंड लेवल से नीचे हमें कितने ग्राउटिंग करना है। ठीक है, तो ग्राउटिंग हमें करना है, तो इसका जो ग्राउटिंग रहेगा, ठीक है, तो इसका जो ग्राउटिंग रहेगा 1500 mm का ग्राउटिंग होगा। कितना होगा? 1500 mm का ग्राउटिंग होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछे आपसे कि जो ग्राउटिंग किया जाता है वो कितना किया जाता है, ठीक है, और ग्राउटिंग जो होता है 1500 mm, लेकिन जो हम लोग होल करते हैं, हाइड्रा के थ्रू, तो सबसे पहले जो है उस ग्राउटिंग के अंदर स्टोन पैड डाल जाता है। तो स्टोन पैड का साइज़ क्या होता है, तो ए जो है यहाँ पे स्टोन पैड, देखिए दोनों में स्टोन पैड है। ठीक है, दो पोल लाएंगे, दो स्टोन पैड लाएंगे। ठीक है, तो जो स्टोन पैड का साइज होता है वो 300 × 75 का होता है। ठीक है, तो 75 इसका जो हाइट जो होगा, यहाँ का जो हाइट होगा, ठीक है, इसका जो हाइट होगा यहाँ पर 75 mm का इसका चौड़ाई होगा स्टोन पैड का। ठीक है, और ये दोनों जो पोल जो होते हैं, इस दोनों पोल के बीच का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, 1500 mm का डिस्टेंस होगा। देखिए, 1500 mm का ग्राउटिंग भी होगा और 1500 mm क्या होगा, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया। कितना डिस्टेंस होगा, सेंटर टू सेंटर, दोनों पोल के सेंटर टू सेंटर, सेंटर बाय सेंटर, सी बाय सी, मतलब कि सेंटर बाय सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ये तो आपका हो गया ग्राउटिंग का। अब ग्राउटिंग क्या होता है, जो पोल हम लोग जो लगाते हैं, तो पोल लगाने के बाद जो अर्थिंग किया जाता है वो कितनी दूरी पर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर दो पोल लगाए जाएंगे, दो स्टोन पैड होगा और दो अर्थिंग होगा। देखिए, एक ये यहाँ पर अर्थिंग लगाया जाएगा, एक अर्थिंग यहाँ लगाया जाएगा, तो ये दो अर्थिंग जो है, इस अर्थिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा, 1200 mm का डिस्टेंस होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, ये 1200 mm का डिस्टेंस होगा। और ये जो ब्लैक जो दिख रहा है यहाँ पर, ये अर्थ पॉइंट है, इसको बोलते हैं बॉटम अर्थ पॉइंट, BOWT1, बॉटम अर्थ पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक नीचे होता है, एक ऊपर में होता है, तो इसको बोलते हैं, देखिए एक यहाँ पे है, इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं अपर अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपर, ये हो गया बॉटम, तो ये दोनों जो है ये अर्थ पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं,
हम चलते हैं ग्राउंड से अपर की तरफ, अपर की तरफ चलते हैं। तो अपर की तरफ चलने के बाद क्या होता है, जो जो हम एक क्लैंप लगाते हैं किसका, ब्रेसिंग एंगल का, इसमें भी दो ब्रेसिंग एंगल यूज किया जाएगा। ये जो है ये हमारा क्या है, ब्रेसिंग एंगल है। तो एक ब्रेसिंग एंगल जो है, इस ब्रेसिंग एंगल की लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई हो गया 2700 mm। एक ब्रेसिंग एंगल की लंबाई कितना हो गया 2700 mm हो गया, और इसका भी जो लंबाई होगा ये दोनों का, इसका और इसका दोनों की लंबाई 2700 mm का होगा। अब इसका बताते हैं लंबाई चौड़ाई बताते हैं मोटाई कितना होगा टोटल। तो इसका हो जाता है 65 × 65 × 6, ठीक है। ये आपका ब्रेसिंग एंगल का स्पेसिफिकेशन, जिसको डायमेंशन बोलते हैं, टोटल डायमेंशन इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए जो ब्रेसिंग एंगल का जो क्लैंप लगाते हैं, ये जो क्लैंप होता है 1, 2, 3 और 4, ये चार जो ब्रेसिंग एंगल का जो क्लैंप होते हैं वो ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पर लगा जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राउंड लेवल से इसका जो ऊंचाई जो होता है वो 2500 mm का होता है, 2500 mm का ग्राउंड लेवल से ऊंचाई होता है, ठीक है। उसके बाद जब ए दोनों लग जाते हैं, एंगल और ए दोनों क्लैंप के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, ए दोनों का बीच का डिस्टेंस है 2315 mm का। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2315 mm का डिस्टेंस होता है। उसके बाद देखिए ये है बारोड वायर, तो दोनों पोल पर हमारा बारोड वायर लगाए जाएंगे, एक इस पे लगाए जाएंगे एक इस पोल पर लगाए जाएंगे। तो ये बारोड वायर जो लगाया जाएगा, तो ये बॉटम जो क्लैंप है, तो बॉटम क्लैंप से बारोड वायर का हाइट कितना होगा, तो ये बारोड वायर का हाइट कितना होगा 500 mm का हाइट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक का इसका जो हाइट है 500 का होगा, ठीक है, बॉटम क्लैंप से और बारोड वायर का। फिर बारोड वायर का लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक बारोड वायर का लेंथ क्या होगा 1000 mm, ठीक है। उसके बाद जो टॉप में जो क्लैंप है, ए टॉप क्लैंप है और ए बारोड वायर जो टॉप जो है यहाँ पर क्लैंप जो लगेगा, ए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 815 mm, समझ गए। देखिए ये पूरे जो क्लैंप है, टॉप और बॉटम जो क्लैंप है, इसके बीच का हाइट हो जाएगा आपका 2315, ठीक है। लेकिन बॉटम क्लैंप से बारोड वायर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा 500 mm, और बारोड वायर का टोटल जो बारोड वायर लगाए जाएंगे वो 1000 mm होंगे। उसके बाद ये टॉप जो इसका क्लैंप होगा और टॉप जो इसका ब्रेसिंग एंगल का जो क्लैंप होगा, उसके बीच का डिस्टेंस होगा 815 mm का होगा, ठीक है। इतना तो समझ में गए आप लोग। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऊपर में चलते हैं, अब देखते हैं चलते हैं। ये जो आपका टॉप जो ब्रेसिंग एंगल का जो है, इसके सेंटर से और ये पोल के टॉप का बीच का जो हाइट है, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2185, कितना हो जाएगा 2185 mm का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टॉप से और ए एंगल जो टॉप एंगल जो लगा हुआ है, ठीक है, जो एले का बोलते हैं टॉप चैनल इसको बोलते हैं, टॉप चैनल जो लगा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा कितना पे लगाए जाएंगे 325 mm पे लगाए जाएंगे, 325 mm, ठीक है। 325 mm पे जो है ए पोल के टॉप से और ए टॉप जो चैनल जो लगाए जाएंगे उसके बीच का, उसके नीचे लगाए जाएंगे 325 mm पे लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं कि ए जो एंगल होती है, ए जो एंगल है, ठीक है, टॉप जो चैनल है, टॉप चैनल का लेंथ कितना होता है, तो टॉप चैनल का लेंथ जो होता है 2240 mm का होता है, 2240 mm का होता है टॉप चैनल का लेंथ। और दोस्तों टॉप चैनल का जो डायमेंशन जो होगा,
ये जो टॉप चैनल का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा 100 × 50, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, इसका वेट हो जाएगा 7.9 kg। क्या एक टॉप चैनल का वेट हो गया। उसके बाद जो ब्रेशिंग एंगल होते हैं, ठीक है, ये ब्रेशिंग एंगल का डायमेंशन तो आपको बता दी कितना, 65 × 65 × 6 हो जाएगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, एक ब्रेशिंग एंगल का वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 5.8 kg, इसका एक ब्रेशिंग एंगल का वेट होगा, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे एक टॉप चैनल लगाए जाते हैं तो टॉप चैनल के साथ में दो इसका टॉप क्लैंप लगाए जाते हैं, एक यहाँ पर लगाए जाते हैं और एक यहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो टॉप चैनल है तो टॉप चैनल के ऊपर जो ये क्या है, ये आपका एफ ब्रैकेट है, क्या है, एफ ब्रैकेट। तो एफ ब्रैकेट कितने लगाए जाएंगे, दो एफ ब्रैकेट लगाए जाएंगे। और जो बीच में जो ए जो एंगल ए जो लगा हुआ एंगल के बीच में जो लगा हुआ ये आपका ई ब्रैकेट है, क्या है, ई ब्रैकेट है, ठीक है। तो ई ब्रैकेट का जो कितने होंगे, ए ब्रैकेट का तो 1 ई ब्रैकेट होंगे, ठीक है। दोस्तों आपको पूरे बताते हैं इसमें मटेरियल कितने कितने लगाए जाते हैं। देखिए 8.5 मीटर का जो है दो पोल लगाए जाएंगे, ठीक है, 8.5 मीटर का दो पोल होंगे। उसके बाद स्टोन पैड दो स्टोन पैड होंगे, ठीक है, टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अर्थ रड आपका दो अर्थ रड होंगे, ठीक है। ब्रेशिंग एंगल कितने होंगे, दो ब्रेशिंग एंगल होंगे। अब ब्रेशिंग एंगल क्लैंप कितने होंगे, क्लैंप 4, ब्रेशिंग एंगल, चार जो है ब्रेशिंग एंगल के क्या होंगे, क्लैंप होंगे। उसके बाद बारवेड वायर लगा जाएंगे, बारवेड वायर, ठीक है, 2 kg जो है बारवेड वायर लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पिन इंसुलेटर जो है 3 पिन इंसुलेटर लगाए जाएंगे, ठीक है। डिस्क इंसुलेटर 6 लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पीजी क्लैंप लगाए जाएंगे। बाइंडिंग वायर इस पर एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर लगाए जाते हैं दोनों साइड में, एल्यूमिनियम वायर जो है बाइंडिंग वायर इसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर लगा देते हैं, जिसका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है 6SWG का होता है, उसका स्टैंडर्ड होता है। और डेंजर बोर्ड जो है एक डेंजर बोर्ड लगाए जाएंगे, जो कि डेंजर बोर्ड आपका देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, एक डेंजर बोर्ड है, डेंजर बोर्ड। और पिन इंसुलेटर, इसमें 3 पिन इंसुलेटर है और 6 डिस इंसुलेटर है, पीजी क्लैंप 6 है, बारड वायर जो है 2 kg का बारड वायर लिया गया है, 2 ब्रेसिंग एंगल लिए गए हैं, एक के ऊपर में टॉप चैनल लिया गया है, उसके बाद 2 स्टोन पैड होंगे,
दो आर्थराइड होंगे और दो पोल होंगे जो कितने होंगे 8.5 मीटर का जो है दो पोल होंगे और दो आर्थराइड होंगे। तो ये जितने जो आपको बताएं ये डीपी स्ट्रक्चर का ही एक टोटल आपको हम आज का वीडियो बनाए थे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।